आकाश की तरफ हम देखते हैं ना, तो वहाँ 27 ग्रह या पिंड कह सकते हैं वे दिखते हैं। उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें 12 तराशियाँ होती है और एक सप्तर्षि होता है और 8 दिग्पाल होते हैं। अर्थात उनका प्रभाव ना पृथ्वी के जीवधारियों पर पड़ता है और उनका लिंक होता है पेड़ों से। अगर हम उस पेड़ की पूजा करेंगे तो आपको फायदा होगा, अगर उस पेड़ को नष्ट करेंगे तो आपको धन की, शरीर की, पशु की हानि होगी। वे कौन कौन से पेड़ है और भाई कौन सी राशि से वो संबंधित करते हैं, भाई आपको किस राशि से वो है, उस राशि से दुख, उस पेड़ की पूजा करने से, उसको पानी डालने से, सींचने से आपके दुख दूर हो जाएंगे। और राशि का वन भाग है और एक साथिया बना रखा है, साथिया, और साथिया के बीच में पेड़ लगा रखे हैं। भाई देखो ये तो मेरे को पता नहीं कौन सी राशि पहले आएगी, लेकिन यहाँ से शुरुआत करते हैं और मैं हर एक राशि के बारे बताऊँगा, उसके पेड़ के बारे बताऊँगा। भाई जिसकी आप पूजा करोगे ना आपको उसका फायदा होगा, अगर उसको नष्ट करोगे तो आपको हानि होगी। भाई पहली आती है सी राशि, इसका पेड़ होता है पाडाल। पाडाल का देखो भाई ऐसा पेड़ होता है, और भाई अगर आपको इस वीडियो में इस पेड़ का वैसे नहीं दिख रहा तो आप पाडाल पेड़ पूछ सकते हो। भाई जिसकी सिंह राशि है वो पाडाल पेड़ की पूजा करे। ये आ गई कर्क राशि, कर्क राशि का इसका पेड़ है पलास। पलास का पेड़ भाई दिखने में ऐसा होता है, देख लो दिखने में ऐसा होता है, इसके पत्ते देख ले कैसे होते हैं, देख लो ये ऐसा पेड़ होता है पलास का पेड़। और अब हम पहुंच गए कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आम का पेड़ होता है। भाई देख लो ये आम का पेड़ है, बहुत अच्छा वो कर रखा है भाई, जिसकी कन्या राशि हो ना वो आम की पेड़ की सेवा करे भाई। और ये वार्षिक राशि, वार्षिक राशि में होता है खैर का पेड़, इसमें थोड़े कांटे हैं भाई, देखो ये थोड़े कांटे हैं। और भाई वैसे आपको वीडियो में दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो आप खैर के पेड़ की भाई पता कर सकते हो भी खैर का पेड़ कैसा होता है, उसमें इतना जरूर बताऊंगा भी इसमें कांटे होते हैं, अरे दिखने में ये ऐसा होता है। और भाई अभी हम पूछ के तुला राशि के पास, इसका पेड़ होता है मोलसरी। मोलसरी का पेड़ दिखने में ऐसा होता है भाई, देखो मोलसरी का पेड़ दिखने में ऐसा होता है, जिसकी तुला राशि है ना वो मोलसरी की पूजा करे और दिखने में ऐसा होता है। और वैसे भाई जो जहाँ पे नर्सरी है ना वहाँ पे पता कर सकते हैं अभी मोलसरी का पेड़ कौन सा हो है भाई। ओ भाई ये आ गई धनु राशि, धनु राशि के लिए पीपल का पेड़ होता है, सभी को पता भाई, सभी गांव में होता है भाई पीपल का पेड़। इसमें आपको भाई जिसको धन की कमी होती है ना, जिसमें धन नहीं मिलता, आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, जिसकी धनु राशि है। और अभी मैं पहुँच गया कुंभ राशि के पास, कुंभ राशि का पेड़ होता है खैर, और भाई खैर के ये भी कांटेदार होता है, थोड़े इसके कांटे तीखे होते हैं भाई, खैर पेड़ का इसमें कांटेदार होते हैं, इसके कांटे थोड़े तीखे होते हैं भाई, और दिखने में देखा ऐसा दिखता ही है, ये खैर पेड़ है। जिसकी कुंभ राशि है ना वो खैर पेड़ की पूजा करे भाई। अब आगे मकर राशि के पास, मकर राशि जिसकी होती है वो शीशम, उसके लिए शीशम का पेड़ बताया गया है। और भाई जिसकी मीन राशि है ना वो बरगद के पेड़ की पूजा करे। बरगद के पेड़ में एक और खासियत होती है, जिसके पितर देवता ऋषि होते हैं ना भाई, उसको मनाने के लिए आप बरगद के पेड़ की भी पूजा कर सकते हो भाई। देखो ये तो हर एक गांव में, घर में, सब में मिल जाता है बरगद का पेड़, आसानी से मिल जाता भाई, जिसकी मीन राशि है वो बरगद के पेड़ की पूजा करे। और अभी पहुंच गया मेष राशि के पास, ये चंदन का पेड़, जो लाल चंदन है ना फिल्म में दिखाया गया था, ये वैसा पेड़ है, देख दिखने में ऐसा दिखता है ये चंदन का पेड़, ये लाल चंदन का पेड़ होता भाई। जिसकी मेष राशि है ना वे इसकी पूजा या इसको सींचे, आपके कष्ट दूर हो गए। यह वृष राशि, वृष राशि के लिए सतपर्णी, सतपर्णी का अर्थ है इसके पेड़ है ना, इसके पेड़ के पत्ते सात होते हैं, इसे सतपर्णी कहते हैं इस पेड़ को भाई। इसके आप कभी भी गिनना, नहीं तो पाँच हो गए, नहीं छः हो गए, इसके सात पत्ते होते हैं, आप कैसे पता करते हैं सतपर्णी पेड़ होता है ना, उसके सात पत्ते हैं। ये वृष राशि के लिए है, जो जिसकी राशि वृष है। और भाई जिनकी मिथुन राशि होती है ना उनके लिए कटहल का पेड़ बताया गया है, ये थोड़ा सूख गया, कमज़ोर है, लेकिन आप कटहल का पेड़ वैसे पता कर सकते हो भाई कहाँ मिलेगा, कैसा होता है। देखो दिखने में वैसा होता है जैसे वीडियो में दिखाया गया, कटहल का पेड़ ऐसे होता है दिखने में, मिथुन राशि के लिए है ये। भाई इस वीडियो में मैंने 12 राशियों के पेड़ दिखाए हैं, और अभी तो जो सप्तर्षि है, 8 दिग्पाल है, 27 भागों में बांटा गया वो भी दिखाऊंगा। कई बार पंडित जी कहते हैं अभी आपको शनि ग्रह का प्रकोप है, या बुध ग्रह का प्रकोप है, या चंद्रमा एक साथ सातवें नहीं है, उन सभी का लिंक पेड़ों से होता है।
अरे पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं भाई, किस पेड़ का लिंक किस ग्रह से किस राशि से होता है वो सभी तीन भाग, तीन वीडियो बनाऊंगा, तीन भागों में करके दिखाऊंगा मैं आपको। एक तो मैंने राशियों की दो वीडियो बना दी है, मैं इसको डालूंगा, आप अपनी राशि के अनुसार अपने पेड़ की पूजा कर सकते हो। थैंक यू।